आप दिल्ली की कर लेते हैं, जहां पर केंद्रीय कैबिनेट की इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है। इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उनके कैबिनेट के तमाम साथी थे और 12 ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेकर यहां पर जानकारी दी गई जिसका सीधा सीधा असर ना सिर्फ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा बल्कि रोजगार जैसे क्षेत्रों में भी इसका सीधा फायदा होगा। 12 विश्व स्तरीय ग्रीन फील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी मिली है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत मंजूरी दी गई है, हरी झंडी दिखाई गई है इन प्रोजेक्ट्स को। बड़े प्रोजेक्ट्स ये हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र और केरल में कई प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। 10 अलग अलग राज्य हैं जिसमें बिहार भी है, तेलंगाना भी है, आंध्र प्रदेश भी है, राजस्थान है और वहां पर यह पूरी बेल्ट तैयार की जाएगी। 10 अलग अलग राज्य, लगभग 10 लाख नए रोजगारों का सृजन। ये तस्वीरें आपके सामने, काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग ये रही और कई मायनों में बेहद खास महाराष्ट्र, क्योंकि आप जानते हैं कुछ वक्त में विधानसभा चुनाव भी है। उत्तर प्रदेश में आगरा और प्रयागराज में कई स्मार्ट शहर और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेजेंटेशन के तौर पर भी कई सारी डिटेल साझा की है। क्या कुछ कहा अश्विनी वैष्णव ने, सुनिए जरा एक बार। कई बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे एयरपोर्ट्स, ऑफशोर विंड एनर्जी, ग्रीनफील्ड पोर्ट वदावन में, हाई स्पीड रोड कॉरिडोर्स, रेलवे प्रोजेक्ट्स, मेट्रो प्रोजेक्ट्स और एयरपोर्ट्स के और दूसरे प्रोजेक्ट्स, टोटल करीब 2 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के फैसले लिए गए हैं। इसी कड़ी में आज बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जो रोजगार को और जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर उनका मेजर इम्पैक्ट होता है। आप इंफ्रा में भी अगर देखें, अब तक के जो प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं उसमें कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ये आपके साथ शेयर करेंगे स्लाइड, जिससे कि आप डेटा को यूज़ कर सकें। आज बहुत बड़ा मेजर एक फैसला लिया गया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज। आप सब जानते हैं नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि भारत की पूरी फ्यूचर डेवलपमेंट को पॉजिटिवली इंपैक्ट करने वाला है। तो काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग ये रही, कई बड़े प्रोजेक्ट्स को इसमें हरी झंडी दिखाई गई। मेरे साथ मेरी सहयोगी कोमल शर्मा जुड़ चुकी है। कोमल जी, इंडस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र, इसका सीधा प्रभाव देश की इकोनॉमी पर भी और कहीं ना कहीं जिसमें जिस तरीके से इसमें बातें रखी गई 10 अलग अलग स्टेट्स में कई जगहों पर स्मार्ट शहर और इसका सीधा इम्पैक्ट युवाओं से भी जुड़ा हुआ क्योंकि 10 लाख रोजगार सृजन की भी बात इसमें। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज जो है ये कैबिनेट मीटिंग में जिस तरीके के फैसले लिए, कैबिनेट ने फैसले लिए वो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए है और इससे 10 राज्यों में जो 12 नए औद्योगिक शहर है उसकी स्थापना को मंजूरी मिली है और साथ ही राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 28,602 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से ये 12 नई परियोजनाओं को प्रस्तावित को मंजूरी दी गई है और ये एक औद्योगिक, देखिए रोहित, इससे औद्योगिक क्षेत्र जो है उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। एक शहरों के बीच एक मजबूत नेटवर्क जो है वो तैयार होगा जिससे न सिर्फ आर्थिक तौर पर बल्कि जो एक प्रतिस्पर्धा है वैश्विक उसमें भी काफी एक महत्वपूर्ण जो है वो प्रगति देखने को मिल रही है। जिन औद्योगिक क्षेत्रों से जैसे उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, यूपी और खासतौर से यूपी के आगरा, प्रयागराज, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये जो राज्य है इनमें ये डेवलप किए जाएंगे। तो इस NIDCP से रोजगार जो है उसके पैदा होने की उम्मीद है। इसके साथ कम से कम 10 लाख सरकार की भी कहीं ना कहीं यही मंशा है कि इकोनॉमी के तौर पर भी इसमें बूस्ट आए और सोशली भी बूस्ट आए। थैंक यू सो मच कोमल जी, आप जुड़ी हमारे साथ।